पनामा नहर और स्वेज नहर दुनिया की दो सबसे महत्वपूर्ण मानव निर्मित नहरें हैं। पनामा नहर जहां अपनी इंजीनियरिंग के बेजोड़ नमूने की वजह से पहचानी जाती है, वहीं स्वेज नहर अपने भौगोलिक और रणनीतिक महत्व के लिए जानी जाती है। पनामा नहर जहां उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने का काम करती है, स्वेज नहर वहीं भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। स्वेज नहर आज सुर्खियों में है क्योंकि स्वेज नहर से जा रहे जहाज एवर गिवन की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा शिप जाम लग गया है। यह जहाज चाइना से सामान उठाकर नीदरलैंड जा रहा था। चालक बताता है कि जब जहाज स्वेज नहर में पहुंची तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से हवाएं चल रही थी। हवाओं के टकराने की वजह से जहाज़ जाकर ज़मीन पर फंस गया और जहाज़ का वज़न इतना ज़्यादा था कि लगभग 2 लाख मीट्रिक टन के बराबर था। इस पर इतना सामान लदा था कि इसको यहाँ से हटा पाने की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। लगभग 1 हफ्ता हो गया, जहाज़ को केवल थोड़ा सा खिसकाया गया है। इसके साथ में जितनी जहाज़ें जा रही थी और सामने से जितनी जहाज़ें आ रही थी सब अपनी जगह पर रुक गई हैं। कोई इधर उधर जा नहीं पा रही है और यहाँ पर कोई भी जहाज़ ना ही इधर जा पा रही है और ना ही कोई जहाज़ इधर आ पा रही है। सब जहाज़ें यहाँ पर फंस चुकी हैं। अतः यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा शिप जाम लग चुका है। जब हम स्वेज नहर की बात ही कर रहे हैं तो इसके इतिहास को जाने बगैर हम कैसे रह सकते हैं। आप जानते हैं कि इतिहास में फ्रांस और पुर्तगाल का भारत और एशिया पर आधिपत्य रहा है। वे व्यापार करने के लिए फ्रांस से यहाँ अफ्रीका महाद्वीप को पार करके यहाँ भारत आते थे और यहाँ से मसाले को लेते थे और फ्रांस ब्रिटेन जाते थे। यह रास्ता इतना लंबा था किन्हें यहाँ आने और जाने में कई महीने लग जाते थे और ये रास्ते में ही भटकते रहते थे। जिनके दिमाग में आया कि हम यहाँ से यहाँ तक जा ही रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक रास्ता है ही, क्यों ना हम इसको तोड़कर एक नहर बना दें और यहाँ से हमारा मार्ग छोटा हो जाएगा और एशिया के हम सभी देशों के साथ एशिया के साथ साथ हम पूर्वी अफ्रीका और सभी देशों के साथ हम छोटे मार्ग से ही व्यापार कर सकते हैं। अतः 19वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड, जिनके मिस्र के शासक सैयद पाशा के साथ अच्छे संबंध थे, ये इन्हें विश्वास दिलाने में सफल रहे कि स्वेज नहर के बन जाने से ये मिस्र को काफ़ी फ़ायदा होगा और मिस्र की आर्थिक व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ हो जाएगी। अतः ये मान गए, सैयद पाशा साहब मान गए और 99 वर्षों के लिए एक संधि कर ली कि हम मिलकर स्वेज नहर का निर्माण करेंगे। इसके संधि से जो ये फ्रांस का विरोधी देश ब्रिटेन था वह काफ़ी चिढ़ने लगा। उसने काफ़ी विरोध किया क्योंकि वह जानता था कि स्वेज नहर के बन जाने से एशिया में उसके उपनिवेशों को, खासकर भारत में उसकी सत्ता के लिए खतरा हो सकता है। उसने झूठी अफवाह फैला दी कि टोल टैक्स के रूप में जो पैसा मिलेगा वह इसके रखरखाव के लिए पर्याप्त नहीं होगा और यह स्वेज नहर काफ़ी पतली होगी, देख रहे हैं काफ़ी पतली होगी और इससे चौड़े जहाज बड़े जहाज इसे पार नहीं हो पाएंगे। बावजूद इस अफवाह से इन दोनों ने मिलकर स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में प्रारंभ कर दिया। इसके लिए पैसे की प्रॉब्लम होने लगी कि इसका स्वेज नहर का शेयर कहाँ से किया जाए। पैसे जुटाने का कार्य फर्डिनेंड ने अपने जिम्मे लिया। उसने सोचा नहर के शेयरों को हम शेयर बाज़ार में उतार देंगे और वहाँ से जो पैसा आएगा, जो शेयर बेचा जाएगा, उससे हम नहर का निर्माण करेंगे। किंतु ब्रिटेन के द्वारा फैलाई गई अफवाहों की वजह से इसमें शेयर खरीदने कोई नहीं आया। अतः जो इसमें शेयर था उसका 50% फ्रांस ने इन्वेस्ट किया और 44% मिस्र ने। बाकी जो अदर 6% थे वो अदर लोगों जैसे तुर्की टाइप देशों ने इस शेयर को ख़रीदा और कार्य प्रारंभ हो गया। बताया जाता है कि इस नहर के बनाने में 1,20,000 मजदूर हैजा की वजह से अपना दम त्याग दिए थे। राजनीतिक, तकनीकी और आर्थिक बाधाओं को पार कर आखिरकार स्वेज नहर 10 साल में बनकर तैयार हो गई। शुरुआत में कुछ ही जहाज यहाँ से गुजरते थे जिससे टोल के रूप में बहुत कम ही पैसा हो मिलता था। कुछ जहाज़ तो यूँ यहाँ से गुजरते वक्त फंस जाते थे क्योंकि इस
नहर की गहराई उतनी अधिक नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। कुछ जहाज यहाँ पर नीचे जमीन से लड़कर टकरा कर डूब भी जाते थे, अतः यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या बहुत कम थी। जिसे जो टोल टैक्स के रूप में पैसा मिलता था वह उतना पर्याप्त नहीं होता था कि नहर का रखरखाव किया जा सके। और जो मिस्र ने सेरले के इस नहर को बनवाया था उसको पूरा कर पाता। अतः मिस्र और तुर्की ने अपने शेयर को चुकाने के लिए जो उन्होंने शेयर इसमें लगाया था उसको बेचने का निर्णय लिया, और इस मौके का फ़ायदा ब्रिटेन ने अच्छी तरह से उठाया। उसने इस शेयर को ख़रीद लिया। अब इस नहर पर फ्रांस और ब्रिटेन का राज्य हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस का इस पर नियंत्रण होने की वजह से यहाँ से जहाज आने जाने वाले जहाज़ों की संख्या में वृद्धि हो गई। अब यहाँ से काफ़ी अधिक मात्रा में जहाज़ें आने जाने लगी थी। 1885 से पहले यहाँ पर जहाज़ें केवल दिन में ही आती जाती थी, किंतु इसके बाद नहर को दिन और रात हमेशा के लिए खोल दिया गया और यहाँ से आने जाने वाली जहाज़ें दिन और रात में ही आने जाने लगी। शुरुआत में यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को 18 से 20 घंटा लगता था, किंतु अब यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ करीब 12 से 16 घंटे में ही इस नहर को पार कर जाते थे। विदेशी प्रभाव को देखते हुए मिस्र ने 1956 ईस्वी में विद्रोह छेड़ दिया। इस विद्रोह में फ्रांस को पीछे हटना पड़ा और मिस्र, चूँकि यह मिस्र के ही देश में था, अतः मिस्र का इस पर पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। 1956 से लेकर आज तक इस पर पूर्ण रूप से मिस्र का आधिपत्य है। बताया जाता है कि यहाँ से प्रतिदिन डेली 97 जहाज गुजरते हैं 97 जहाज गुजरते हैं जिनसे होने वाली कमाई मिस्र की अर्थव्यवस्था में 35% से अधिक का योगदान होती है। आज दुनिया का कोई भी जहाज इस नहर से टोल टैक्स देकर गुजर सकता है। यूँ तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, लेकिन यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भविष्य में इसे सुएज नहर के वरदान के रूप में भी देखा जा सकता है।